फ्रेंड्स हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की पढ़ाई प्लस टू से या यूँ कहिए हाई स्कूल से ही करने लगते हैं कॉलेज तक मैट्रिक्स की ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन उसके इनवर्स सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो था वो किस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था जी हाँ ये थे फ्रेंच के मैथमेटिशियन इनका जन्म सत्रह सौ छियासी ईस्वी में हुआ था आज इनका बर्थडे है इनका नाम था जैक्स बैनेट ये इन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बताया था इन्होंने मैट्रिक्स थियोरी जो है उसके बारे में ढेर सारी पढ़ाई की उसको इन्वेस्टिगेट किया जो कि एक बेस बना जिस पर कैली और दूसरे मैथमेटिशियन ने काम किया था ये जो जनरल रूल होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का फिर इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 1812 में सबसे पहले इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था जिसके लिए इनको जाना भी जाता है इन्होंने एक और जो फिवनैक्की नंबर्स होता है जो अपने प्रीवियस नंबर का जो सम होता है वो नेक्स्ट जो नंबर होता है वो हम लिखते हैं तो उसका जो क्लोज्ड फॉर्म होता है वो भी बिना रिकरेंस रिलेशन का यूज किए हुए इन्होंने दिया था उस एक्सप्रेशन को जिसको हम बेनेट फार्मूला भी बोलते हैं लेकिन ये नया नहीं था इस क्लोज्ड फॉर्म को 100 साल पहले डी मावर ने भी दिया था लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 1812 में इन्होंने ही जिनका नाम जैक्स बैनट है फ्रेंच मैथमेटिशियन है इन्होंने दिया था तो फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें मैथल मिलते हैं अगली किसी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ